लास्ट लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और बाकी सबका मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था इनवर्स का। एक तो इनकी प्रॉपर्टीज रह गई हैं, ये टॉपिक है हमारे पास, और उसके बाद कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स की। प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 7-8 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मिल जाएंगी अपने चैप्टर नंबर 4 में, जो 4.2 है उससे पहले आपको बुक में सारी मिल जाएंगी। स्टेटमेंट में लिखवा नहीं रहा, जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं समझा रहा हूं, तो आप लोग गौर से समझ लेना उनको। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज मैं यहां पे पहले ही क्लियर कर दूं कि हम बात कर रहे हैं अभी डिटर्मिनेंट्स की। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस, इनमें फर्क होता है। इनमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहां पे होती है, मैं एक जरा प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा तब आपको समझ आएगा कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में फर्क होता है, वरना स्टूडेंट इनको सेम समझते हैं। तो खैर अभी पढ़ते हैं, मैं जब बताऊंगा जहां पे कंफ्यूजन आ सकती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका आपने डिटरमिनेंट मालूम किया है, तो उस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मालूम करो, या आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो उसके बाद डिटरमिनेंट मालूम करो, डिटरमिनेंट सेम रहता है। इसकी स्टेटमेंट ये होती है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लेने से पहले, ट्रांसपोज लेने के बाद डिटरमिनेंट आपका सेम ही रहता है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में रॉस एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, जो ट्रांसपोज में हम कर रहे होते हैं, तो आपके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली ये वाली प्रॉपर्टी है। दूसरी आपकी बुक में लिखी हुई है कि हाँ, कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो और आपको किसी भी दो रॉस को या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ा, तो फिर आप -1 लगा रहे होते हो। इस वाली प्रॉपर्टी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये कंसीडर करते हैं कि लेट कर लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है ए बी सी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा ये वाली जो आमतौर पर प्रॉपर्टीज है ना, ये नॉर्मली आप वहीं पे लगाते हो जो आपकी एक्सरसाइज थी ना 4.2, अगर आपको याद हो, जिसमें आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के जरिए से सॉल्व किया करते थे। डिफरेंट आपके पास डिटरमिनेंट्स गिवन होते थे, आप उस पर प्रॉपर्टी लगाते थे, काम करते थे जो भी, तो वो नॉर्मली ए बी सी डी एक्स वाई जेड इनकी फॉर्म में आती हैं। ये जो आप प्रॉपर्टी लगाते हो ना इंटरचेंज करने वाली, जो नॉर्मली नंबर्स की फॉर्म में लिखी होती है ना, उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम स्ट्रेट अवे डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। लेकिन जो ए बी सी डी इनकी फॉर्म में होती है, तो फिर हम कुछ रॉस को ऐड करते हैं या इंटरचेंज करते हैं, उसमें हमें जरूरत पड़ती है। तो कंसीडर कर लो ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं किसी भी दो रॉस को या किसी भी दो कॉलम को, जो जो प्रॉपर्टीज रॉस के लिए है सेम प्रॉपर्टीज कॉलम्स के लिए भी है, कोई मैटर नहीं करता रॉस हो या कॉलम्स हो, तो कोई भी दो रॉ है आपने अगर उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, जैसे लेट कर लो मैं पहली और दूसरी रॉ को इंटरचेंज कर रहा हूं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो अब जो R2 है वो पहले आ गई है और जो R1 है वो नीचे आ गई है। तो जब मैं इन दो रॉस को इंटरचेंज करूंगा, तो फर्क ये पड़ेगा कि डिटरमिनेंट अब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी आप किसी दो रॉ को, लेट कर लो अगर इसकी पहले वैल्यू आनी चाहिए थी 4, कंसिडर कर लो इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 4, अगर आप दो रॉस को इंटरचेंज करोगे तो अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, -4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा कोई भी दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर दो, बात एक ही होती है, किसी भी दो कॉलम को करो या किसी भी दो रॉ को करो, आप बाहर एक माइनस लगा रहे होते हो। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, अगर आपकी एक डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट में जिस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो उसकी सारी रॉस, कोई भी एक रॉ हो या कोई भी एक कॉलम हो, जो पूरा जीरो हो जाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसकी, आपने एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है जिसकी फर्स्ट रॉ जो है वो पूरी जीरो हो गई है, तो जब भी एक रॉ या जब भी कोई कॉलम जीरो हो जाए, तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मली जब इस टाइप के डिटरमिनेंट आते हैं ना, तो वो आपको कोई हायर ऑर्डर भी दे सकते हैं,
मतलब ये तो 3x3 की ना, आपको वो 4x4 की दे दें या आपको 5x5 की दे दें। अब एक 5x5 की बड़ी सी मैट्रिक्स गिवन होगी, स्टूडेंट कहेंगे यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका डिटरमिनेंट तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसमें यही टेक्निक होगी, या तो उसकी कोई भी एक रॉ या कोई भी कॉलम जीरो हुआ होगा, तो वहां से आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू उसकी जीरो कर दोगे। या एक दो और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। सर आप ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताएं, मुझे नहीं निकालना, मुझे नहीं आता निकालना आंसर इसका, फोर कैसे? यार भाई फोर आएगा नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फोर कैसे आएगा, यहाँ पे तो ए बी सी है, फोर तो आ ही नहीं सकता। मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि जब आप रॉस को इंटरचेंज करते हो तो आपके पास, या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो माइनस आ रहा था। ये वाली चीज अब मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इसको सॉल्व कैसे करोगे, फोर तो पॉसिबल नहीं है। बताने का मकसद ये कि जब आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस आता है। मेरा काम था रेफरेंस भी देना आपको, मैंने बताया 4.2 में उन सारे सवालों को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कितने सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप इंटरचेंज कर रहे होते हो। तो आप 4.2 उठाओ, उसको देखो किस तरह क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। सर ब्रीफली वन प्रॉपर्टी बता दें, मैं थोड़ा लेट हो गया था। यार थोड़ा लेट हो गए थे तो रिकॉर्डिंग देख लेना, अब ये मेरा मसला नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो तीसरी एग्जाम्पल में आपने देखा कि कोई भी एक रॉ या कोई भी कॉलम जीरो हो जाए तो फिर डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कोई भी दो रॉस या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, अब आइडेंटिकल के मैंने दो मतलब निकाले में, एक तो होता है कि एग्जैक्ट सेम हो जाए पूरे, जैसे एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब आप फर्स्ट रॉ और थर्ड रॉ को देखो तो एग्जैक्ट दोनों रॉ सेम हो गई हैं। तो जब दो कोई भी रॉ सेम हो जाए तो आपके डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो एक तो आइडेंटिकल का मतलब आप ये ले सकते हो कि एग्जैक्ट सेम हो गई हैं पूरी, ठीक है। अच्छा कॉलम्स के लिए भी हो सकता है, मैंने बताया जो प्रॉपर्टीज रॉस के लिए वही कॉलम्स के लिए है, और ये प्रॉपर्टी किसी ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। अगर 4x4 मैट्रिक्स हो, 5x5 हो, कोई भी डिटरमिनेंट आपके पास मौजूद हो, सब पे ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अच्छा तो एक तो आइडेंटिकल का मतलब आप ये निकाल सकते हो, दूसरा मतलब इसका क्या हो सकता है कि लेट कर लो अगर ये चीज लिखी हुई हो, ये तो अभी भी इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा क्योंकि जो फर्स्ट और थर्ड रॉ है वो आइडेंटिकल है। कैसे? इसी से आप एक और प्रॉपर्टी भी सीख जाओगे कि अगर आप तीसरी रॉ को देखो ना तो इसमें से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। कैसे कॉमन निकालोगे? तीसरी रॉ में अगर आप देखो तो आप टू कॉमन निकाल सकते हो। तो आप क्या करो, तीसरी रॉ में से टू कॉमन निकाल लो। इसको अभी हम आंसर नहीं लिखते इसका, तो शुरू की दो रॉस तो अपनी जगह पर रहने दो, ठीक है। जो तीसरी रॉ है उसके साथ मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे वन बच जाएगा, यहां पे टू बच जाएगा और यहां पे थ्री बच जाएगा। अब मुझे बताओ इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रॉ और थर्ड रॉ सेम हो गया। उस जीरो को अगर आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इस प्रॉपर्टी से आपने दो तीन बातें क्लियर हुई हैं। सबसे पहली बात, अगर दो रॉस एग्जैक्ट सेम हो डिटरमिनेंट जीरो होता है। अगर कोई भी दो रॉ मल्टीपल हो, जैसे इस रॉ को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और ये वाली रॉ आ गई, ठीक है, या इस रॉ को आपने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही मानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस रॉ को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया किसी नंबर से और आपके पास तीसरी या दूसरी रॉ आ गई, तो तब भी आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। और तीसरी बात आपने यहां से देखी कि आप डिटरमिनेंट से कॉमन भी निकाल सकते हो, और किसी भी रॉ से आपने कॉमन निकाल लिया, किसी भी रॉ से आपने या किसी भी कॉलम से आपने कॉमन निकाल लिया। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जब आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन होती थी, मैं इसी डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूं। अब ये यहां पे मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को, 9 के 9 एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। तो ये मैट्रिक्स के अंदर होता था, डिटरमिनेंट के अंदर ये नहीं होता। आपकी मर्जी है, आप 2 को किसी भी रॉ से मल्टीप्लाई कर दो। ओरिजिनली हमने कॉमन तो थर्ड रॉ से लिया है ना, लेकिन मैटर नहीं करता। आप इस 2 को दोबारा थर्ड रॉ से मल्टीप्लाई करो, आप इस 2 को किसी भी रॉ से मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट सेम ही रहता है। तो आपने यहां पे ऑब्जर्व किया कि डिटरमिनेंट में आप 2 को किसी भी रॉ से करोगे, पूरे डिटरमिनेंट से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, या इसको किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई
नहीं करोगे। तो यहां पे फर्क आता है मैट्रिसेस का और डिटरमिनेंट्स का। मैट्रिसेस में आप हर एलिमेंट से करते हो, डिटरमिनेंट में ओरिजिनली आपने कॉमन तो R3 से लिए, लेकिन मैटर नहीं करता, आप इस 2 को किसी भी रॉ से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही रहेगी, डिटरमिनेंट अभी भी 0 ही रहेगा इसका, ठीक है, कॉमन लेने के बाद भी 0 ही है इसका। तो एक तो बात मैंने ये क्लियर कर दी इनमें फर्क। दूसरा फर्क ये होता है कि वो बताना चाहिए मुझे या नहीं, वो टॉपिक हमने पढ़ना नहीं है, वो बाय द वे फेडरल बोर्ड का टॉपिक है, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर आप 2 रॉस को ना इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने देखा था अगर डिटरमिनेंट में आप 2 रॉस को इंटरचेंज करते हो तो माइनस आता है, ठीक है। मैट्रिसेस में अगर आप किसी भी रॉ को इंटरचेंज करना चाह रहे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्जी से किसी भी 2 रॉ किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो, लेकिन डिटरमिनेंट में आपने देखा था अगर आप इंटरचेंज करते थे तो माइनस साइन आता था। तो ये मैंने 2-3 बातें बता दी हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं सच बात बोलूं तो ये कॉन्सेप्ट मुझे अपने यूनिवर्सिटी के सेकेंड नहीं थर्ड ईयर में लीनियर अलजेब्रा जब हमने पढ़ा था तब मुझे ये उस वक्त क्लियर हुई थी बात कि यार मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट अलग अलग चीजें हैं, नाम तो अलग थे लेकिन इन चीजों में कंफ्यूजन होती थी कि यार इसमें जब इंटरचेंज करने तो माइनस आ रहा है, इसमें इंटरचेंज करने तो नहीं आ रहा, तो तब बात क्लियर हुई थी कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स 2 अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आप लोगों को दे दी है, ये बाकी 4 प्रॉपर्टीज हमने अभी तक कर ली हैं। अच्छा, इन 4 प्रॉपर्टीज में कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ लो, अगर कोई चीज मसला कर रही है तो। किसी भी कॉलम किसी भी रॉ किसी से भी कर दो, अच्छा। 5वीं प्रॉपर्टी, माइक बंद कर दो, मेरे ख्याल में सवाल आपका हो गया। 5वीं प्रॉपर्टी जो है वो इतनी सवाल में एमसीक्यूज में यूज नहीं होती, बस वो प्रॉपर्टी है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मे बी एमसीक्यूज में आ जाए, लेकिन जो शुरू की प्रॉपर्टीज है ना ये काफी पूछी जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली 2-3 बातें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। शुरू की 4 चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के आते हैं ना एमसीक्यूज वो इन्हीं 4 में से आ रहे होते हैं, बाकी 2-3 मैं फाकन बता देता हूं। एक और प्रॉपर्टी ये कि अगर आपके डिटरमिनेंट में कोई भी रॉ या अगेन वही बात कोई भी कॉलम 2 टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब अगेन ये वाली प्रॉपर्टी भी ज्यादातर ए बी सी डी की फॉर्म में आती है, तो मैं जनरलाइज बात कर देता हूं, चलो मैं नंबर्स की फॉर्म में बता देता हूं आपको, लेकिन ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है। आखिरी जो रॉ है लेट कर लो 1+2, 3+4, 5+6 लेट कर लो, नंबर्स में तो आप 2 नंबर अगर एक 5, 2 लिखा हुआ है तो 2 को आप 2 नंबर में ब्रेक कर सकते हो ना आसानी से, 1+1 कर दो, 2+0 कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप आसानी से। तो लेट कर लो ये जो तीसरी रॉ थी ना इसमें जो नंबर्स लिखे हुए थे मैंने ब्रेक कर दिया उनको 2 टर्म की फॉर्म में, लेट कर लो यहां पे 3 लिखा हुआ था मैंने 1+2 कर दिया, यहां पे 7 था मैंने 3+4 कर दिया। असल चीज मैं बताना चाह रहा हूं ये है कि अगर आपने कोई भी एक रॉ को ना 2 टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इस थर्ड रॉ को मैंने 2-2 टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो अब फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये होगा कि जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है पूरी ये बराबर होगी इन 2 छोटे डिटरमिनेंट की, मतलब कि पहला आप डिटरमिनेंट बनाओ जिसमें पहला पहला एलिमेंट लिखो इसका 1, 3, 5 प्लस दूसरे डिटरमिनेंट में क्या करो, शुरू की 2 रॉस तो अपनी जगह पे रहने दो, आखिरी रॉ में आप लिखो 2, 4, 6, तो इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो आपस में ऐड करो, ये बराबर होगी अगर आप इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करो। तो ये प्रॉपर्टी इतना यूज नहीं करते आप, लेकिन होती है कि अगर आप किसी रॉ या किसी कॉलम को 2 टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो फिर आप उसको तोड़ के 2 डिटरमिनेंट बना देते हो, उन दोनों डिटरमिनेंट को निकाल के ऐड करो या आप इसको ही डायरेक्ट सॉल्व कर लो, मतलब 1+2 को 3 लिख दो, 7 लिख दो, 11 लिख दो, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर बराबर होगा इन 2 डिटरमिनेंट के सम के। अच्छा ठीक है बच्चों, और 7 तो शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं बताया होगा शायद अभी आपने, ये आप लोगों के कोर्स का ऐसा नहीं था जो आपने ट्रायंगुलर मैट्रिसेस पढ़ी थी,
ये बात ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के अंदर भी वैलिड है और डायगोनल मैट्रिसेस जो है उसके अंदर भी वैलिड है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेट करते हैं और मैं बड़े ऑर्डर की कर रहा हूं, स्टूडेंट का आमतौर पर सवाल आता है सर 3x3 से ऊपर आ जाए, एनईडी में तो मैंने नहीं देखी, नस वस में आ रही होती, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ये एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 4x4 कर लेते हैं हम, ये काफी इजी हो जाएगा एक सेकेंड। ये मैट्रिसेस जो है, इस मैट्रिक्स को आप बोलोगे ये होती है लोअर ट्रायंगुलर। अगर आपको याद हो मैंने बताया था लोअर ट्रायंगुलर ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल है ना इसके ऊपर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये जो पूरा डायगोनल है इसके ऊपर जो आप एलिमेंट देखो वो सारे क्या है, जीरो के बराबर है। तो या तो कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, उसमें अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बहुत ईजी तरीका होता है, ऑर्डर कुछ भी हो उसका मैट्रिक्स तो सेम ही रहेगी ना। अगर मैं 5x5 कर दूं इसको तब भी वही कॉन्सेप्ट होगा, डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इनका डिटरमिनेंट निकालने का निहायत ही आसान तरीका होता है और वो ये होता है कि आप डायगोनल्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 6 से करो 24, 24 को 10 से करो 240। तो इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 240 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान मेथड है। तो जो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वैलिड है, मेरे पास जगह नहीं है, असल चीज जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी यही पूरी चीज है कि अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसे लेट कर लो 2 0 0 0 3 0 0 0 -4 कर लेते हैं। अभी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी यही बात पूरी वैलिड है कि आप डायगोनल एलिमेंट जो है ना उनको आपस से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। मैटर नहीं करता कि इसका कोई भी ऑर्डर हो, मैं चलो और थोड़ा मुश्किल बना देता हूं ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। यहां पे हम लिखते हैं 5 और यहां पे लिखते हैं 6। ये लो, ये 5x5 की एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए इसको चलो 1 कर देता हूं मैं। अगेन वही काम है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 से करो 6, -24, -120, 1 से मल्टीप्लाई करो तो -120। तो मेरी कैलकुलेशन के तहत इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, -120। तो कोई भी डायगोनल हो, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, अगेन वो प्रॉपर्टी भी वो तो आप यूज ही नहीं करते सवालों में, बस स्टेटमेंट याद रखना, वो भी आपको बुक में मिल जाएगी। आखिरी प्रॉपर्टी यही होगी कि अगर आप किसी भी एक रॉ को ना दूसरी रॉ के अंदर ऐड कर रहे हो तो डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इस वाली चीज का डिटरमिनेंट निकालो, ये चलो मैं लिखवा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अगर आप की फॉर्म में कर लेते हैं, आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट गिवन है, आप इसकी एक वैल्यू निकालोगे, इसका कोई भी एक आंसर आएगा, लेट कर लो वो के बराबर है, क्योंकि अब मैंने कुछ नंबर कह दिया फिर तुम लोग बोलोगे वो कहां से आया, कोई भी एक नंबर आ रहा है भाई जिसको मैंने के बोल दिया। अगर आप इस जो डिटरमिनेंट आपके सामने है इसमें आप किसी भी रॉ को किसी दूसरी रॉ में ऐड कर दो, जैसे मैं पहली रॉ को लेट कर लो तीसरी में ऐड कर रहा हूं, तो पहली रॉ तो अपनी जगह पे रहेगी, दूसरी रॉ भी अपनी जगह पे रहेगी, पहली को मैंने तीसरी के अंदर ऐड किया तो 1+5 6, 2+6 8, 3+3 6। तो अब भी इसका आंसर k के बराबर होगा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी एक रॉ को दूसरी रॉ के अंदर ऐड कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भी आप काम कर सकते हो कि इस रॉ को किसी नंबर से पहले मल्टीप्लाई करो
और फिर ऐड कर दो। जैसे लेट कर लो इस रॉ को मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं इसको किसी भी रॉ में ऐड करता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार इसका फायदा असल में होता है कहां पे होता है? इसका फायदा होता है कि जब आपके पास, यार तुम लोग असल में 4.2 भूल गए हो मेरे ख्याल में, तुम लोग अगर 4.2 सवाल करो ना, मैं जरा बता देता हूं जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तब तुम लोगों को समझ आएगा प्रॉपर्टीज का फायदा क्या है। तुम लोग सब भूल चुके हो असल में। तुम लोग एक काम करना, जो क्वेश्चन नंबर 16 है 4.2 का, इसको सबसे इजीएस्ट तरीका सॉल्व करने का क्या होगा कि आप जो सेकंड कॉलम है ना, इसको ऐड कर दोगे थर्ड कॉलम के अंदर, फिर आप वहां से कॉमन ले लोगे। तो आपको यहां पे आपने क्या किया, आपने सेकंड कॉलम को थर्ड के अंदर ऐड किया, तो डिटरमिनेंट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, आप कर सकते हो ये काम। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कि किसी भी कॉलम को दूसरे में ऐड करो तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसके अंदर भी आप ये काम करोगे कि R2 और R3 को ऐड कर दोगे R1 के अंदर, पूरी एक रॉ जीरो हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज का काम आपको ये जो ABC इन फॉर्म में जो मैट्रिसेस होती है ना वहां पे काम होता है, इसमें तो इतना नहीं होता, लेकिन 4.2 अगर आप कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सारी प्रॉपर्टीज वहां पे काफी यूजेस। ये जो मैंने शुरू में करवाई थी ना ये काफी इंपॉर्टेंट थी। ये MCQs में आपको बकायदा एक बड़ी सी मैट्रिक्स दे देंगे या कोई छोटी मैट्रिक्स भी हो उसमें ये काम आ जाती है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज जो है ज्यादातर जनरलाइज फॉर्म में अगर डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तब काम आती है। बाकी 4.2 कर लेना यार, आइडिया हो जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छी है नर्स के बच्चों को, तो मैं बहुत खैर छोड़ो। अच्छा तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास आपने डिटरमिनेंट निकालना है, चलो पहले मैं थोड़ी तमहीद मान लूं कि ए जो है ना ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। असल चीज ये बताना है कि इसका ऑर्डर जो है वो एन के बराबर है। कंसीडर कर लो एक मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली स्क्वायर है तभी डिटरमिनेंट निकालोगे, उसका ऑर्डर जो है वो एन के बराबर है। और आपसे बोला जाता है कि आप ये चीज मालूम करो, आप के ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, तो ये बराबर होगा के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसका मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से जरा देखते हैं। लेट कर लो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि ए का डिटरमिनेंट जो है वो 5 है और ए का जो ऑर्डर है वो 3 है, मतलब 3x3 के एक मैट्रिक्स है, ये डाटा गिवन है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है 2A का डिटरमिनेंट। अब मुझे बताओ कैसे फाइंड करोगे, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन ही नहीं है। अगर तो मैट्रिक्स ए गिवन होती ना आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल लेते, थोड़ा लगता टाइम लेकिन आ जाता डिटरमिनेंट। अब सवाल में आपको मैट्रिक्स ही नहीं गिवन, तो जब आपको मैट्रिक्स नहीं गिवन तो आप 2A का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, आपके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। आपको पता है कि अगर आपको 2A का डिटरमिनेंट निकालना है, जैसे यहां पे आपको के ए का निकालना था तो ये बराबर था के की पावर एन, यहां पे के क्या है 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन, एन यहां पे क्या है 3, मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट सवाल में गिवन है 5 के बराबर, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी काफी काम की होती है जब आपको मैट्रिक्स ना गिवन हो। इसी तरह अगर यहां पे 3A आ जाता तो आप 3 का क्यूब करते और उसको मल्टीप्लाई करते A के डिटरमिनेंट से, ठीक है। तो काफी काम की प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग नोट कर लेना। तो जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, अच्छा एक और भी होती है लेकिन वो इतना काम आपको मिलेगा नहीं, NID में इतना नहीं पूछते। वो ये होती है कि अगर आपने एक मैट्रिक्स ए है उसकी पावर निकाली, जैसे लेट कर लो ए क्यूब और फिर आपने उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इससे इजीएस्ट काम क्या है कि पहले आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लो उसके बाद उसकी पावर ले लो। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको सवाल में एक मैट्रिक्स दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि आप ये चीज निकालो, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दें और आपसे बोलें कि आप निकालो ए क्यूब और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, अब ये काम तो बहुत मुश्किल है। एक मैट्रिक्स का क्यूब मालूम करना कैलकुलेटर से भी टाइम तो लगेगा आपको, उसके बाद आप कैलकुलेटर से, तो खैर इजी हो जाएगा कैलकुलेटर से, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर ये प्रॉपर्टी वही बता रहा हूं ना, नस के लिए हम बताते हैं ज्यादातर। तो अब ये वैसे अगर मैनुअली आप काम करो तो क्यूब करना बड़ा मुश्किल है, फिर आपने क्यूब कर लिया उसके बाद आपने डिटरमिनेंट निकाला, तो इससे इजीएस्ट काम क्या है वो ये है
कि आप पहले ए का डिटरमिनेंट निकालो, जो कि बहुत इजी काम है। ए का डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया, जो भी नंबर आएगा उसका क्यूब कर देना, ठीक है। तो बस फर्क यह कि एक में क्यूब अंदर है, एक में क्यूब बाहर है, लेकिन ये अंदर और बाहर की वजह से बहुत बड़ा आपको फर्क पड़ रहा होगा यहां पे। बस यही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो असल आप लोगों से रेलिवेंट है, वो ये वाली हैं। 8 भी कंसीडर कर लेना, 8 भी आ सकती है। कुछ सवाल हो यहां तक तो पूछ लो।